डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और आपको ये पता है कि ह्यूमन जो होते हैं बाई पेरेंटल होते हैं, एंड द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड यू नो दैट देर इज़ अ वेल मार्क सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन्स। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। आपको पता है कि जैसे हम बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से स्टार्ट करें तो थोरेसिक रीजन, फिर एब्डोमिनल रीजन, और एब्डोमिनल रीजन के नीचे पेल्विक रीजन होता है। तो पेल्विक रीजन में दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। नाउ इट इंक्लूड्स टेस्टिस। अगर आप सिंगुलर लिखें तो उसमें आई एस होता है, अगर प्लूरल लिखें तो यहाँ पे ई एस होता है, मतलब टी ई एस टी आई एस, दैट इज सिंगल सिंगुलर। और जब आप इसको टी एस टी एस करते हैं देन इट बिकम प्लूरल, बिकॉज देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस टेस्टिस देयर आर एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी डक्ट्स। ये हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स होती है। एंड ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। एंड आफ्टर दैट देर इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अगर हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे एक पेयर टेस्टिस है, फिर एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्टिस आर टू इन नंबर, दैट इज वन पेयर। अब एक पेयर है, अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ सैक कॉल्ड स्कॉटल सैक या स्कॉटम भी उसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टेस्टिस एक पेयर होती है और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है, एक सैक में होती है, और उस सैक को स्कॉटल सैक या स्कॉटम कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्कॉटल सैक में क्यों होती है? तो इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि टेस्टिस में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो बॉडी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। तो ये इसलिए जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी या किसी और जगह ना हो करके ये स्कॉटल सैक में होती है, ताकि जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहे और स्पर्मेटोजेनेसिस आसानी से हो सके। और अगर हम बात करें तो टेस्टिस की जो शेप होती है दैट इज़ ओवल इन शेप। और अगर हम इनकी बात करें तो ये जो लेंथ होती है इनकी अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और अगर हम विड्थ की बात करें तो इट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल रेंज है। अब दीज आर कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग। तो अभी तक हमने बात की कि जो टेस्टिस होती है वो एक पेयर होता है और वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सैक में होते हैं, और उस सैक को स्कॉटल सैक या स्कॉटम कहा जाता है। वहाँ पर वो इसलिए होते हैं ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है विच टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर वो आसानी से हो सके। और फिर हमने बोला कि दीज आर कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग। और अब अगर हम टेस्टिस के अंदर की बात करें देन इट हैज़ अबाउट
250 कंपार्टमेंट्स, मतलब अगर हम इसके अंदर देखें, जैसे अगर हम ये देखें तो इसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स होंगे, ऐसे। दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज लोब्यूल्स और टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। तो हमने बात की कि अगर टेस्टिस को हम देखें तो उसमें तकरीबन 250 कंपार्टमेंट्स हैं, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट्स। अब अगर हम एक टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट की बात करें या एक लोब्यूल की बात करें, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, तो ये लोब्यूल्स हैं, ये सिंपल अगर हम देखें तो इनमें से अगर हम एक लोब्यूल की बात करें तो एक लोब्यूल के अंदर 1-3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्टिस के अंदर हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स और टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो एक लोब्यूल के अंदर 2-3 या 1-3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनमें स्पर्म्स बनते हैं। मतलब स्पर्म्स कहाँ पे बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो इट इज लाइंड बाय 2 types ऑफ सेल्स ऑन द इनर साइड। अब दो सेल कौन कौन सी होती है इसमें? एक इसमें जो सेल होती है उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और जो दूसरी सेल्स होती हैं दे आर कॉल्ड ए सर्टोलाइज सेल्स। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, टेस्टिस के अंदर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होंगे अबाउट 250 इन ईच टेस्टिस, और ईच लोब्यूल के अंदर 1-3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो उनकी इनर लाइनिंग होगी दैट विल बी लाइंड बाय 2 types ऑफ सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोलाइज सेल्स। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इनको मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, या ये मेल जर्म सेल भी कहलाते हैं, और इनमें होगी मियोसिस। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि जो आपका कम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर, जैसे हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में बात की कि कौन सा एप्लॉयड होता है कौन सा डिप्लॉयड होता है, तो आपको पता है कि मियोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जो सेल्स डेवलप होते हैं, दे आर हैप्लॉयड। तो इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है, और मियोसिस के बाद ही स्पर्म्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो 2N होंगे, और जो स्पर्म्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, 1N होते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग पे जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका काम तो है स्पर्म्स बनाना। अब जो दूसरे सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज सर्टोलाइज सेल्स, इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है, और दीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मतलब वो नरिशमेंट का काम करते हैं, न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। तो वो जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ का जो जगह होती है उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस आपको दिखाया जाएगा। तो जो उसके बाहर जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है इसमें क्या चीज होती है? एक तो इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स, या अगर हम दूसरे टर्म में उनको बोलें तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल
सेल्स। और जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन्स। एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स में। जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये आपको साफ नज़र आ रहे हैं, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है ये, और इसमें ये देखो यहाँ पर जो दिखाए गए हैं ये लेडिग सेल है। ये जो लेडिग सेल होते हैं, ये लेडिग सेल सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन्स। तो जैसे हमने बात की कि ये इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में होते हैं और इन सेल्स को बोला जाता है लेडिग सेल्स। और इसमें अगर देखा जाए तो इंटरस्टिशियल स्पेस में दूसरे इम्यूनोलॉजिकल कंपिटिटिव सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमने बात की टेस्टिस की, अब हम बात करेंगे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स की। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात किया कि ये सिस्टम टेस्टिस होती है, इसमें एक्सेसरी डक्ट्स होती है और ग्लैंड्स होती है, तो अब हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स की। तो जो एक्सेसरी डक्ट है उनमें आएगा रेटी टेस्टिस और वासा एफरेंसिया इसके अलावा एपिडिडिमस और वासा डेफरेंसिया या वास डेफरेंस। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नजर आएगा। तो सबसे पहले हमने बात की टेस्टिस की, तो एक टेस्टिस ए एक टेस्टिस ए, तो ये दोनों होती है स्कॉटल सैक में। अब अगर आप देखें इसका सेक्शनल व्यू दिखाया गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स और इनके अंदर पड़े हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब जब इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर आप देखेंगे देर इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, ये नेटवर्क, इस नेटवर्क को बोला जाता है रेटी टेस्टिस। वैसे रेटी मतलब ही होता है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स या नर्व्स का जो नेटवर्क होता है। तो यहां पे आप देखेंगे ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस फिर छोटी छोटी डक्ट्स में लीड करते हैं एंड दीज डक्ट्स आर कॉल्ड एज वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया के बाद आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिडिमस और एपिडिडिमस से स्टार्ट होगी वास डेफरेंस। तो ये एक साइड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे ओपन इनटू वासा एफरेंसिया थ्रू रेटी टेस्टी, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये वासा एफरेंसिया है, तो इनके बीच में एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स है, दैट नेटवर्क ऑफ वेसल इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। अब दिस वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडिमस। ये देखो आप ये टेस्टिस से बाहर निकल जाएगी और किस में ओपन कर जाएगी, एपिडिडिमस में। और जो एपिडिडिमस है इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस। ये भी आपने ध्यान रखना कि एपिडिडिमस जो होता है उसकी लोकेशन होती है पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस एंड इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजेकुलेटरी डक्ट। ये मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको इजेकुलेटरी डक्ट दिखाऊंगा कि इजेकुलेटरी डक्ट बेसिकली कहाँ पे होती है। द डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टी टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो इनका काम है कि स्पर्म्स को बाहर ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर आप बात करें जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी
ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है और इट एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस इनटू द एक्सटर्नल ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। तो अगर आप बात करें तो ये यूरेथ्रल मीटस है। अब सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में दो टेस्टिस होती हैं जो स्कॉटल सैक में होती है। अगर हम उनके अंदर देखें तो उनमें तकरीबन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सर्टोलाइट सेल्स होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिनका काम स्पर्म्स बनाना है। और ये क्या करते हैं, इसके बाद जो लोब्यूल होते हैं वो एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल में लीड करते हैं, एक नेटवर्क में लीड करते हैं, लोब्यूल का नेटवर्क भी आप कह सकते हैं। एंड दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और लोब्यूल इज कॉल्ड ए रेटी टेस्टिस। उसके बाद वासा एफरेंसी होती है और सारी वासा एफरेंसिया खुल जाती है एपिडिडिमस में, और एपिडिडिमस के बाद फिर जो मेन डक्ट कंटिन्यू करती है दैट इज कॉल्ड ए वास डेफरेंस। और आप देखते हैं कि यहाँ पे ये कॉमन हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ, यूरेथ्रा के साथ इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू मिलेगी, फिर ये कॉमन होती है। इट इज़ कॉल्ड ए यूरिनोजेनिटल डक्ट क्योंकि इसमें मेल के केस में यूरिन और स्पर्म डक्ट जो होती है वो कॉमन होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो ये बात थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब इसी में हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें मेल के केस में, देन यू कैन से पेनिस डिनोट्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड दिस पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू विच हेल्प्स इन इट्स इरेक्शन एंड इरेक्शन इज नीडेड टू फैसिलिटेट द इनसेमिनेशन। जैसे हमने कल बात की कि क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं, तो उसमें एक स्टेप इनसेमिनेशन भी था। इनसेमिनेशन का मतलब होता है कि स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहुंचाना। नाउ द एनलार्ज्ड एंड एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंड्स पेनिस एंड इट इज कवर्ड बाई अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, कॉल्ड फोरस्किन। ये हमारे पास हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस डिनोट्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड दिस लार्ज एंड लार्ज पार्ट ऑफ दिस पेनिस इज कॉल्ड ए ग्लैंड्स पेनिस एंड इट इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन एंड दैट इज कॉल्ड एज फोरस्किन। अब हमने बात कर ली टेस्टिस की, बात कर ली डक्ट्स की, बात कर ली। अब इसके बाद लास्टली हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स की। कि ग्लैंड्स कौन सी होती है जो एसोसिएटेड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो अगर हम एक्सेसरी ग्लैंड्स में देखें तो इनके साथ क्या क्या एसोसिएटेड होता है। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड इज देयर एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये वन पेयर होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है और सेमिनल वेसिकल भी एक पेयर होता है। तो दीज आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये
और ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। और सेमिनल वेसिकल से नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे की तरफ होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अगर हम बात करें तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स की, तो इनका क्या काम होता है? द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। Which is rich in fructose। ये बहुत important है कि seminal plasma की अगर detection करनी हो तो वहाँ पर fructose से की जाती है। fructose अगर present है तो इसका मतलब seminal plasma present है। calcium and enzyme। तो इसका मतलब ये जो ग्लैंड्स होती है, अगर आप यहाँ भी देखें इस पोर्शन में, तो यहाँ पे आपको आप देखेंगे कि जो वास डिफरेंस आ रही है वो इधर से आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेमिनल वेसिकल है, यहाँ से इसमें स्पर्म्स भी स्टोर होते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है वो इजेकुलेटरी डक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, और ये प्रोस्टेट है। तो इस तरह से इजेकुलेटरी डक्ट की हम यहाँ बात कर रहे थे, और ये नीचे आप देख सकते हैं दीज आर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो जैसे मैंने बात की कि इन सब की सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो इस ये क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड द एंजाइम। एंड द सिक्रीशन ऑफ दिस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो इस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की। अब लास्ट में मैं इसमें रिवाइज करना चाहूँगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, और इसके अलावा कुछ डक्ट्स होती है और कुछ ग्लैंड्स होती है। तो टेस्टिस एक पेयर होता है जो कि बॉडी के बाहर स्कॉटल सैक या स्कॉटम में होता है, इसलिए होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस आसानी से हो सके, जो कि बॉडी टेम्परेचर से लगभग 1 या 2 डिग्री कम टेम्परेचर पे होती है। और इसके बाद टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद जब टेस्टिस के अगर हम अंदर देखें तो एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, दैट इज़ कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस लीड करते हैं वासा एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया के बाद एपिडिडिमस होता है विच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस, देन इट लीड इनटू द वासा डेफरेंस। फिर आपको पता है कि अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो वहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। तो इनकी जो सिक्रीशन होती है उसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, और सेमिनल प्लाज्मा जो होती है विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एज वेल एज इन सर्टेन एंजाइम। एंड द बल्बो यूरेथ्रल सिक्रीशन हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। एंड यू नो दैट दी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, एंड इवन टू स्टोर द स्पर्म देयर देयर इज अ सेमिनल वेसिकल। तो ये हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। थैंक यू वेरी मच।